और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। साल से जो है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना जो है ये जो वायरस जो है उससे मानव जाति को बहुत बड़ा खतरा पहुंचा है और आज मानव जाति खतरे में है, भयभीत है। तो भगवान गौतम बुद्ध के समय वैशाली नगर में ऐसा ही भयानक वायरस पहुंचा था जिसके वजह से वैशाली नगरी जो भारत का एक राज्य का विभाग था तो उस समय वैशाली नगर के महाराजा उन्होंने जो है कि भगवान को पाचारण किया, हे भगवान आप हमारे वैशाली नगर को आइए, ये जो वायरस जो है रोग राइज जो है जिससे हमारी जनता बहुत पीड़ित है, बहुत भयानक अवस्था है। तो उस समय भगवान वैशाली नगरी पहुँचे और वहीं पर उन्होंने रतन सूक्त का पठन किया। रतन सूक्त का पठन करने के बाद एक ऐसा चमत्कार तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर बारिश आई और वो बारिश में जो जो वैशाली नगर में जो मानव प्राणी मृत्यु पड़े थे, जानवर मृत्यु पड़े थे, वो सभी महापुर जाने की वजह से सब रह गया और वैशाली नगर स्वच्छ और सुंदर बना। तो मेरा नाम रत्नाकर दामके है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और एक बौद्धाचार्य की भूमिका भी मैं निभाता हूँ। हमारा ये भिक्षु संघ आया है, ये बहुत बड़ा आदर्श भिक्षु संघ है और ये बुद्धकालीन परंपरा है कि वर्षावास के बाद में भिक्षु लोग सब मिलकर ये चारिका करते हैं, वर्षावास में स्टडी करते हैं और बाद में ये बाहर आके चारिका करते हैं, इसीलिए ज्ञान प्रसार प्रचार सब करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, बौद्ध धम्म का प्रसार करते हैं। और बौद्ध धम्म ये मानवतावादी धम्म है, मानव के प्रति प्रेम, मानव के प्रति मैत्री और प्राणी मात्र सब जो भी कुछ ये धरती पे है ये सभी मैत्री भाव निर्माण करता है, सबको प्रेम देता है। इसीलिए ये आप जो बोल रहे हैं कि ये कोरोना का तीसरी लाट का जो है तो इसका असर भी उस पर होता है, क्योंकि मानवता को सम्मानित रखने के लिए, प्रेम भाव निर्माण होने के लिए और सब ये जो धरती पे कुछ संकट आता है, कुछ समस्या आती है, तो ये पूजा पाठ, ये जो
बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके जो चारित्र्य और उनके जो ज्ञान के तरंग रहते हैं उससे उसमें जो है तो कम हो जाता है, उसमें कोई ये यानी कम हो सकता है, वो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और ये पुण्य का काम होने के लिए, सबको मैत्री शांति मिलने के लिए ही ये चारिका है। ये बौद्ध भिक्षु इसीलिए आते हैं, ये पूरे मानवता का संदेश देते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी तीसरी लाट का कोई प्रभाव होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे संस्कार किए हैं। ये बुद्ध के काल में भी ऐसा संकट आया तो बुद्धों ने सब जाके ये वंदना वगैरह देके आशीर्वाद देके वो निवारण किया था। ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं सब लोगों को प्रेरणा शांति प्रेम मिले। आपका नाम बोलिए सर पूरा। मेरा नाम ओम प्रकाश शिरसाट, मैं यहाँ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समिति का अध्यक्ष हूँ। ये नाते से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है, ये जो बारिश के चार माह होते हैं, वो माह में जो हमारे ये होते धर्मगुरु होते हैं, ये उपवास करते हैं। और उपवास करने के बाद वो हर दिन समाज को ये धम्म संदेश देते हैं, ये बुद्ध की सिक्वन देते हैं। और ये सिक्वन से सब परिवार सब बुद्ध में होना चाहिए, और भारत और पूरा जग बुद्ध में होना ये उद्देश्य उसके पीछे है। और शांति सब धर्म में नांदो, ये कार्यक्रम का मकसद है। और आज चार साल महीने के बाद ये आज का काम भोजन दान इनको दिया जाता है। आपका नाम बोलिए सर। अशोक कामले। ये उद्देश्य तो ऐसा है कि अभी हर साल श्रामनेर हो जाते हैं, यहाँ पे श्रामनेर की दीक्षा लेते हैं और ये भोजन दान होता है हमारे ओर से। हमारे यहाँ धम्मदीप बौद्ध विहार है तो उनकी ओर से वो भोजन दान होता है। भोजन दान चारिका लेके हो जाता है और फिर बाद में धम्म देशना मिलता है, जिसका उद्देश्य ऐसा है कि बौद्ध धम्म का प्रसार प्रसार करें और बौद्ध धम्म की दीक्षा सबके लिए अच्छी तरह से दिए जाए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रूपाली बाबी सिंह। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर